Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, Iskandar Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, an interesting topic, that is intelligence in Indian tradition. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में IKS पर बहुत बल है, इंडियन नॉलेज सिस्टम पर बहुत बल है, हमारी जड़ों पर बहुत बल है, जो हमारा इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, जिसमें सब कुछ हर विज्ञान में, हर विधा में हम इतने प्रवीण थे, लेकिन कालांतर में हम उसे भूल गए, तो उसको रिजुवेनेट करने का प्रयास है, उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास है। तो उसी क्रम में कि इंटेलिजेंस का क्या कंसेप्ट इंडियन ट्रेडिशन में रहा है, ये नया टॉपिक आपके में ऐड हुआ है और इंटरेस्टिंग भी है, तो मुझे लगा इस पर आपसे बात करनी चाहिए। वैसे भी साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी मेरा सबसे प्रिय विषय है। तो इंटेलिजेंस को इंडियन ट्रेडिशन में पढ़ने से पहले, समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि इंटेलिजेंस एक ऐसा कंसेप्ट है जो कल्चर से प्रभावित होता है। इसीलिए जब हम लोग इंटेलिजेंस टेस्टिंग की बात करते हैं तो आपसे बात हुई थी कि कल्चर फेयर टेस्ट होनी चाहिए, मतलब टेस्ट ऐसा हो जो कल्चर पे उसका इफेक्ट ना हो, इस तरीके के सवाल हो उसमें, अदरवाइज कल्चर से इंटेलिजेंस प्रभावित होती है। तो इसके पक्ष में अगर हम जाने तो कई तर्क हमको मिलते हैं। वाइगोट्स्की कहते हैं 1976 में हैज आर्ग्यू the roots of intellectual processes and skills are situated in the socio-cultural matrix of the people in a society during a given socio-historical period. ये कह रहे हैं कि जो हमारी बौद्धिक प्रक्रियाएं और कौशल हैं, उनकी जो जड़ें हैं, वो हमारी socio-cultural matrix में मिलती है, मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में वो जड़ें हैं और वो एक समाज का हिस्सा होती हैं और एक पीरियड के हिसाब से, socio-historical period, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं ना, पुरातन समय में जो बुद्धि का कंसेप्ट था, मतलब बुद्धि के लिए जो जो कि जो काम बुद्धिमान माने जाते थे, जो कहा जाता था कि ये व्यक्ति बुद्धिमान है, हो सकता है वो अबुद्धिमान ना माना जाता हो, जो अब बुद्धिमान माना जाएगा वो आगे आने वाले समय में नहीं माना जाएगा, मतलब पीरियड के हिसाब से भी बदलता है और सोशियो कल्चरल मैट्रिक्स में इसकी जड़ें हैं। इंटेलिजेंस इज ऑलवेज डिस्प्लेड इन ए कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। बुद्धि का कंसेप्ट है, जो बुद्धि का संप्रत्यय है, वो हमेशा एक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में, सांस्कृतिक कंटेक्स्ट के साथ देखा जाता है। बिहेवियर दैट इज कंसीडर्ड इंटेलिजेंट इन वन कल्चर मे बी कंसीडर्ड अनइंटेलिजेंट इन अनदर कल्चर एंड वाइस वर्सा। यानी कि जहाँ भारतवर्ष में जिस कार्य को बुद्धिमत्तापूर्ण माना जाएगा, अमेरिका में हो सकता है उसे ना माना जाए, जिसको अमेरिका में माना जाएगा उसको भारत में ना माना जाएगा, क्योंकि कल्चर इसका 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 ये उत्तरदायी है। इंडिविजुअल्स इन अदर कल्चर्स ऑफन डू नॉट वेल ऑन आवर टेस्ट, नॉर वुड वी डू वेल ऑन देयर्स। वो कह रहे हैं कि लोग दूसरे संस्कृति के जो लोग हैं वो हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट पे अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, हम उन पे नहीं कर पाएंगे। कि जो बुद्धि का संप्रत्यय है, उसका आकलन है, उसका विकास है, उसको आप कल्चरल कंटेक्स्ट के परे अच्छे से नहीं समझ सकते। द कल्चरल एनवायरमेंट प्रोवाइड्स ए कंटेक्स्ट फॉर इंटेलिजेंस टू डेवलप। जो हमारा सांस्कृतिक, हमारा जो पर्यावरण होता है, वो ही एक परिदृश्य उत्पन्न करता है जिसमें की बुद्धिमत्ता को विकसित किया जा सकता है, समझा जा सकता है। टर्नबर्ग व्यूज इंटेलिजेंस एज, टर्नबर्ग ने इंटेलिजेंस की परिभाषा दी है कि द एबिलिटी टू अडैप्ट, टू शेप एंड सेलेक्ट द एनवायरमेंट टू अकॉम्प्लिश वन्स गोल्स एंड दोज ऑफ वन्स सोसाइटी एंड कल्चर। देखिए इनकी डेफिनेशन में ही सोसाइटी और कल्चर आ रहा है, क्योंकि इन्होंने तीन तरीके की इंटेलिजेंस, ट्राईआर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस चलती है स्टर्नबर्ग की, अगर आपको याद हो तो, उसमें एक टाइप जो था वो कॉन्टेक्चुअल या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ही बताया इन्होंने। बुद्धि वो है जो कि योग्यता है आपकी, जिसमें आप समायोजन कर सके, वातावरण है उसको आकृति दे सके, उसको आकार दे सके और अपने जो गोल्स हैं, अपने जो लक्ष्य हैं, उनकी प्राप्ति कर सके, और जिस भी आप सोसाइटी और कल्चर का हिस्सा हैं। Sternberg's notion of contextual or practical intelligence implies that intelligence is a product of culture. Sternberg का भी जो intelligence का concept है, जो practical contextual intelligence का उन्होंने concept दिया, वो यही बताता है कि जो बुद्धि है वो संस्कृति का उत्पाद। तो इसका मतलब कि हम इंटेलिजेंस को जब इंडियन ट्रेडिशन में पढ़ेंगे तो हम ये समझेंगे कि इंडियन कल्चर का प्रभाव इंटेलिजेंस के कंसेप्ट पर रहा है। अब देखते हैं इंटेलिजेंस को इंडियन फिलॉसफी में कैसे कहा गया, कैसे बताया गया। तो दास 1994 में लिखते हैं कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इन इंडियन फिलॉसफी रिफर्स टू, यानी कि भारतीय दर्शन में अगर हम बुद्धि का कंसेप्ट देखें तो उसका कंसेप्ट रहा है वेकिंग अप,
मतलब जागृत अवस्था में रहिए, चैतन्य रहिए, नोटिसिंग, आपको नोटिस करने आना चाहिए चीजों को, रिकॉग्नाइज, पहचानने, अंडरस्टैंड, समझने एंड कॉम्प्रिहेंडिंग, आपको उसका बोध होना चाहिए। यानी कि जागृत अवस्था में है जो चीजों को नोटिस करता है, जो पहचानता है, जो समझता है, जिसके अंदर बोध का भाव है, वो बुद्धिमान है। इन कंट्रास्ट टू द यूजुअल मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस इज अंडरस्टूड इन वेस्टर्न लिटरेचर, पश्चिमी साहित्य में जैसा बुद्धि के कहा गया है उससे बहुत व्यापक हमारे भारतीय दर्शन में बुद्धि का कंसेप्ट रहा है। बुद्धि या इंटेलिजेंस इंक्लूड सच थिंग्स, तो भारतीय परिदृश्य में जो बुद्धि का कंसेप्ट था वो क्या क्या चीजें समाहित किए था अपने अंदर, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, मेंटल एफर्ट, मानसिक प्रयास एंड इवन फीलिंग्स एंड ओपिनियंस इन एडिशन टू सच इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस इज नॉलेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग। देखिए हम बाद में जाके 1990 में कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट है, उस पर इतना पूरा समाज जो है मतलब पूरा विश्व उसको इतनी ध्यान से देखता है, लेकिन हमारे में तो पहले से ही बुद्धि के कंसेप्ट में फीलिंग्स, ओपिनियंस और ये सारी बातें कही गई हैं। वो बात दूसरी है कि हमारी आदत है कि हम अपनी चीज़ों की अच्छाई नहीं देखते हैं। बुद्धि में हमेशा से था भारतीय परिदृश्य में ज्ञान, विवेक और निर्णय लेने की क्षमता के अतिरिक्त दृढ़ निश्चय, आपका मानसिक प्रयास और आपके भाव और राय, ये सारी चीजें विचार उसमें आती थी। इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन इंटेलिजेंस इज डिस्कस्ड एज एन इंपॉर्टेंट एपिस्टेमिक कॉन्सेप्ट, ये एक ज्ञान का संप्रत्यय माना गया और इंटेलिजेंस इन इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन हैज बीन कंसीडर्ड एज ए स्टेट, ए प्रोसेस एंड एन एंटिटी। तो माना गया है कि बुद्धि जो है एक अवस्था है, एक प्रक्रिया है और एक एंटिटी है, the realization of which depends upon one's own effort, persistence and motivation। और हम बुद्धि का प्राकटीकरण हमारे अंदर तभी हो सकता है जब हम प्रयास करें, हम परसिस्टेंट रहें और हम मोटिवेटेड हों काम करने के लिए, ठीक है ना। फिर जो हमारे यहाँ बुद्धि का कंसेप्ट रहा है इंटेलिजेंस का इंडियन ट्रेडिशन में, उसको इंटीग्रल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट कहा जाता है, क्योंकि सब बहुत चीजों को आपस में एकीकृत किए हुए है। इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन इज आल्सो कॉल्ड एज इंटीग्रल इंटेलिजेंस। तो ये क्या क्या इसके अंतर्गत आता है, पहला गिव्स एम्फेसिस ऑन कनेक्टिविटी विद द सोशल एंड वर्ल्ड एनवायरनमेंट, यानी कि सामाजिक और जो सांसारिक पर्यावरण है उससे जुड़ा, खुद बोल के चलना है, साथ में चलना है, उस पर महत्ता है, उस पर बल है। फ्रॉम ए होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, यानी कि पूरा ये इंटरटैलिटी है, इक्वल अटेंशन इज पेड टू कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव प्रोसेसेस एज वेल एज देयर इंटीग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस। यानी कि हमारे यहाँ हमेशा से ही सिर्फ बौद्धिक मतलब बुद्धि में सिर्फ संज्ञानात्मक पक्ष पर बल नहीं था, अभी तो जो नॉन कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट है, उन नॉन कॉग्निटिव प्रोसेसेस है उन पे भी बल था, इसीलिए इसको एकीकृत बुद्धि कहते हैं। फोकस ऑन कलेक्टिविस्टिक ओरिएंटेशन, देखिए अब हम बात करते हैं कलेक्टिविस्टिक इंटेलिजेंस की, और वहाँ हमेशा से सामूहिक जो इसका ओरिएंटेशन है उस पर बल रहा है। सेल्फ रिफ्लेक्शन को वैल्यू दी गई है, यानी कि स्वचिंतन को मूल्य दिया गया है, और हमेशा से रहा है कि लेस टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड सोसाइटीज वैल्यू सोशल एंड इमोशनल स्किल्स, तो सामाजिक और सांवेगिक कौशलों पर बल था। फिर फेसेट्स ऑफ इंटेलिजेंस, अगर हम इंडियन ट्रेडिशन में बात करें इंटेलिजेंस की, कौन कौन से उसके अंदर घटक हैं, किन किन चीजों से वो मिलकर बनी है, तो पांच हैं आई थिंक, कॉग्निटिव कैपेसिटी, सोशल कॉम्पिटेंस, चार हैं इमोशनल कॉम्पिटेंस और एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस, चार फेसेट्स हैं। पहला है कॉग्निटिव कैपेसिटी, कॉग्निटिव कैपेसिटी मतलब संज्ञानात्मक क्षमता। तो संज्ञानात्मक क्षमता में क्या क्या आ जाएगा, सेंसिटिविटी टू कॉन्टेक्स्ट, जिस परिदृश्य के आप हिस्सा हैं उसके प्रति आप संवेदनशील हो, देखिए इसमें एनवायरमेंट का कंसेप्ट आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो, समझ हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, आप भेद कर सकें क्या सही है क्या गलत है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, समस्या समाधान का कौशल होना चाहिए, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि आप प्रभावपूर्ण तरीके से संप्रेषण कर सके। फिर सोशल कॉम्पिटेंस मतलब सामाजिक दक्षता, यानी कि सोशल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट हमेशा से हमारे यहाँ रहा है, रेस्पेक्ट फॉर सोशल ऑर्डर, जो सामाजिक क्रम है उसका आप सम्मान करें, कमिटमेंट टू एल्डर्स, द यंग एंड द नीडी, जो छोटे हैं, जो आप जिनको जरूरतमंद हैं, जो बड़े हैं उनके प्रति आप कमिटमेंट रखिए, कंसर्न अबाउट अदर्स, दूसरों के प्रति सरोकार, विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम हमेशा से रहा हमारे यहाँ, और रिकॉग्नाइजिंग अदर्स पर्सपेक्टिव, यानी दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी पहचानना, उस पर भी ध्यान देना। फिर इमोशनल कॉम्पिटेंस यानी कि सांवेगिक दक्षता, इसमें सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ इमोशंस, ऑनेस्टी, पोलाइटनेस, गुड कंडक्ट और सेल्फ इवेल्युएशन, ये सारी बातें हमेशा से थी। फिर उसके बाद एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस में, एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस की बात हो रही है तब, कि कमिटमेंट हो, परसिस्टेंस हो, आप में धैर्य हो, आप परिश्रमी हो, कठिन परिश्रम कर सकें, विजिलेंट रहें, विजिलेंस हो आप में, और बोल्ड डायरेक्टेड बिहेवियर आपके पास हो, इतना सब कुछ तो है, कौन सा कंसेप्ट इसमें छूटा है, सब कवर हो गया है। कॉग्निटिव कैपेसिटी है, सोशल कॉम्पिटेंस है, इमोशनल कॉम्पिटेंस है, एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस है, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड इन द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन।
फिर इसके साथ एक साथ एक बात और है, हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस की बात भी हमेशा से करते रहे हैं। जैसे कि आपको पता हो कि जो भगवद गीता जो एक हमारी होली पुस्तक है, हमारी पवित्र किताब है, उस पवित्र पुस्तक है, वो कह रहे हैं कि वॉज द फर्स्ट इफेक्टिव एंड पावरफुल कम्युनिकेशन ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। वो कह रहे हैं वो कुछ और नहीं है बल्कि सांवेगिक बुद्धि के संप्रेषण का ही एक इफेक्टिव और पावरफुल प्रयास है। कैसे? कि जब अर्जुन है तो इमोशनल ही कॉन्फ्लिक्ट उनको हुआ था, वो डायलेक्ट क्या डायलेमा में आ गए थे, वो द्वंद में आ गए थे, वो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उसी इमोशन को कंट्रोल करने के लिए ही तो ये सब कुछ कहा गया है। तो ये भी एक तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस का रिफ्लेक्शन हमको वहां मिलता है इन भगवद गीता। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रज्ञ स्थिति की बात हम जब कहते हैं, तो वो क्या है, जो कि कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, यही आज के जमाने का इमोशनल इंटेलिजेंस है। स्टेप्स टू बिकम इमोशनली इंटेलिजेंट इज एक्सप्लेन बाय लॉर्ड कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो हमको दिया है, बताया है, वो हमको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाने के ही स्टेप्स बता रहे हैं कि आप मस्तिष्क मन को नियंत्रण में रखिए, मन को स्थिर रखिए, इच्छाओं पर नियंत्रण रखिए, आप सेचुरेट रहिए, मतलब आप आपकी डिजायर पे कंट्रोल होना चाहिए, सेंसेस पे कंट्रोल होना चाहिए, इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड यानी कि मन को स्थिर रखिए। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सब हमको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाने के ही प्रयास है, बनाने के ही निर्देश हैं। तो इस तरह से आई थिंक इट हैज बीन कंप्लीटेड नाउ। सो इतना बृहद व्यापक विस्तृत और सुंदर चित्रण बुद्धि का हमारे भारतीय दर्शन में रहा है। सोशल इंटेलिजेंस की बात है, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात है, एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस की बात है, हमेशा से ही ओपिनियन फीलिंग्स ये सब भी बुद्धि के कंसेप्ट रहे हैं। तो इंटीग्रल इंटेलिजेंस इसीलिए इसको कहा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन ब्रीफ अबाउट इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।